ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत। 130 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी करने वाले यहां तय करते हैं देश का भविष्य। इस संसद में एक से बढ़कर एक ऐसे कानून बने जिससे भारत की तरक्की की इबारत लिखी गई। इस संसद ने महज 48 घंटे में देश की 95% आबादी का भाग्य बदल दिया। जो 70 साल में नहीं हुआ वो महज 2 दिन में हो गया। सबका साथ सबका विकास का हमारा मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है। यूं तो देश की सबसे बड़ी पावर सेंटर है संसद, लेकिन मंगलवार और बुधवार को जिस तरह से गरीबों के लिए संसद खड़ी हुई, उसने इसे बना दिया इस हफ्ते का पावर सेंटर। मेरे ठीक पीछे सीना ताने जो इमारत खड़ी है वो हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक है। यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है, यहाँ देश का कानून बनता है, यहाँ भारत के भविष्य की इबारत लिखी जाती है। लेकिन 8 और 9 जनवरी को यहाँ देश का नया इतिहास लिखा गया। तय शेड्यूल के तहत संसद के शीतकालीन सत्र का ये आखिरी दिन था, लेकिन जब लोकसभा में सामाजिक कल्याण मंत्री थावर चंद गहलोत ने सामान्य वर्ग की जातियों के लिए आर्थिक आधार पर 124वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, तो ये साफ हो गया कि देश की संसद नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। महज एक दिन पहले मोदी कैबिनेट ने सामान्य वर्ग की जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई थी, और अगले ही दिन सरकार इस ऐतिहासिक फैसले पर संसद की मुहर लगवाने के लिए लोकसभा पहुंच गई। कोई ने सोचा नहीं था कि ये अचानक आखिरी 48 संसद सत्र का खत्म होने का 48 घंटा पहले ये विधायक, जो विधायक एक संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन का मतलब है कि 2/3 सदस्य का मौजूदगी और साथ साथ समर्थन भी जरूरत होता है। सवर्ण आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा के लिए शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ, और फिर करीब 5 घंटे तक सदन के भीतर जोरदार बहस चली। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, तो विपक्ष भी सरकार पर उंगली उठाने में पीछे नहीं रहा। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर सवाल बिल की सार्थकता पर नहीं बल्कि बिल की टाइमिंग पर थे। मेरा आप सबसे आग्रह है दैट इफ यू आर सपोर्टिंग दिस डोंट बी ग्रजिंग इन योर सपोर्ट, बी होल हार्टेड एंड लार्ज हार्टेड, बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और आज हमें इस बात का खुशी है कि ऊंची जाति में से जो गरीब लोग थे उनके लिए भी क्या कहते हैं कि आज 10% आरक्षण न सिर्फ सरकारी नौकरी में बल्कि संसद संस्थाओं में लाया जा रहा है। हमें जो है 85 दीजिए, SC को, ST को, OBC को, दलित को, अति पिछड़ा को, हमें 85 चाहिए, 10 आप ले जाइए। विपक्षी दलों ने भले ही सरकार की नियत पर लाख सवाल उठाए, लेकिन बिल के विरोध में किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, और इसी का नतीजा था कि चंद रोज पहले तक जिस संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव चल रहा था, जहां बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा था, वहां हजारों मतभेदों के बावजूद एक बिल को सभी दलों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस बिल की टाइमिंग और मोदी सरकार की नियत पर बार बार सवाल उठा रहे विरोधी दल भी वोटिंग में इसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तारीख 9 जनवरी, वक्त दोपहर 12 बजे, स्थान संसद भवन। लोकसभा में NDA सरकार के पास तगड़ा बहुमत है, इसलिए सवर्ण आरक्षण बिल पर सरकार की असली परीक्षा संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में होनी थी। सरकार ने सवर्ण आरक्षण बिल को पास करने के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को खास तौर पर एक दिन के लिए बढ़ाया था। बुधवार को जब थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल रखा, तो विपक्ष के तेवरों को देखकर ये सवाल खड़ा होने लगा कि मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक शायद राज्यसभा के रण में ढेर ना हो जाए। ये डर बेवजह नहीं था। 3 तलाक पर मोदी सरकार राज्यसभा में पहले ही 2 बार मुंह की खा चुकी थी। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले बिल पर बीजेपी पार्टी और मोदी सरकार की असली अग्नि परीक्षा राज्यसभा में होनी थी। राज्यसभा में 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर बहस के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया था।
लेकिन संसद में चर्चा का ऐसा दौर चला कि घड़ी की सुइयों पर किसी की नजर ही नहीं गई और कब रात के 10 बज गए पता नहीं चला। आपको 4 साल 7 महीने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो गया था 4 साल 7 महीने कि उसके बाद आप लाए हैं आखिरी सत्र के अंदर। आपको अच्छा लगता है कि एक संविधान का संशोधन करने जा रहे हो वो भी एक दिन में बिना कोई डेटा के बिना कोई रिपोर्ट के 8 लाख का मापदंड आपने कैसे तय किया? क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है मालूम है ना आपको, जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है, तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है और छक्के आने वाले। हिंदुस्तान की सियासत में आरक्षण का मुद्दा कितना गंभीर है ये पूरा देश जानता है, लेकिन सवर्ण आरक्षण पर बहस के दौरान कई बार संसद और सांसदों की जिंदा दिली भी सामने आई। नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण। हिंदुस्तान के भविष्य की इबारत लिखने वाली करीब 90 साल पुरानी इस इमारत का डिजाइन भले ही विदेशी वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया हो, लेकिन इसकी एक एक ईंट में हिंदुस्तान के लोगों का खून पसीना लगा है, और यही वजह है कि जब इमारत में बैठकर 130 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधि कोई फैसला लेते हैं तो उसमें सबसे ऊपर देश की जनता की आशाएं होती हैं। सारे समाज को भले हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इसके लिए कानून बनाना ही संसद का काम है, तो इसलिए संसद ही सर्वोपरि है, हम मानते हैं संसद ही सर्वोपरि है। महज 48 घंटे के भीतर संसद के दोनों सदनों ने एक ऐसे बिल को कानूनी रूप दे दिया जिसका सपना तो सारे सियासी दल चुनाव के वक्त दिखाते थे, लेकिन उस पर पहल करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार को रातों रात आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की याद आई। जानकारों का मानना है कि इस ऐतिहासिक बिल की बुनियाद हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार से पड़ी थी। सवर्ण जातियों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन पिछले 5 सालों में देश के अलग अलग कोनों से उठी आरक्षण की मांग ने बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ा दी थी। गुजरात में बीजेपी पटेल आरक्षण आंदोलन की लपटों को बेहद करीब से देख और महसूस कर चुकी थी। हरियाणा में जाट आरक्षण और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग भी पार्टी को पहले ही काफी परेशान कर चुकी थी, लेकिन SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद जिस तरह से सवर्ण जातियों की बीजेपी से नाराजगी बढ़ी वो पार्टी के रणनीतिकारों के लिए बड़े खतरे की घंटी थी। भाजपा इसलिए जो अपना कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका एक्चुअली जो अपर कास्ट कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बिछड़ जा रहे थे, तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए एक जरूरी कदम था। सवर्ण जातियों के गरीबों को आरक्षण देकर बीजेपी और मोदी सरकार को 2019 में फायदा होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इस बिल पर भारत की संसद ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। यहाँ भले ही सियासी दलों के बीच गहरे मतभेद हों, लेकिन जब बात जन कल्याण की आती है, जब बात जनता की आशा और आकांक्षाओं की आती है, जब बात सामाजिक न्याय और आपसी भाईचारे की आती है, तो फिर सारे विरोध पीछे छूट जाते हैं और फिर एकता की सूत्रधार बनकर सामने आती है देश की संसद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।